जैसे मैं खत्म करने वाला होता हूँ लोग को, तो बीच में कभी दही भी उड़ रही है, कभी करारे पराठे। ये क्रिएटिविटी पहले लेके आया कर ना मेरे। वेलकम टू माई व्लॉग। जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और ये मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने व्रत रखा है। अब देखो क्या बना के खिलाती है आज मुझे। कुछ इतना खास स्पेशल नहीं है, दही भी, केला मिलाना है इसे, तो शक्कर डालनी है, इसको मिक्स करना और खा लेना है बस। ओह, पूरी रेसिपी बता डाली एक सेकंड में। एक दिन के लिए व्रत रखा, उसमें भी इतना ज्यादा क्या खाना पीना, थोड़ा बहुत खा लो बस हो गया। तुम जैसे लोग थोड़ी है, तुम बोलते कुछ नहीं खाते कुछ नहीं खाते, फिर भी बिना खाए भी मोटे हो जाते हो। बना डाल प्रॉपर अच्छे से, बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे से नहीं रुका जा रहा। कान्हा जी का जन्मदिन था और उनको हो गए पैदा, उनका जन्म हो गया। अब मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ। किसने बोला था आपको फास्ट रखने के लिए, मत रख देना। तू नहीं तो बोला था कि एक बार जिसने रख ली तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, तोड़ नहीं सकते, तो ठीक है। मैं नहीं तो भुक्कड़ों पे जैसे क्यों कर रहे हो फिर? एक दिन भूखे नहीं रह सकते क्या? एक दिन तो कोई भी इंसान रह सकता है। एक दिन हम लोग करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, निर्जला एकदम, एक बूंद पानी भी नहीं, तभी भी हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं करवा चौथ के दिन। तो बाकी के दिन निर्जला रख के दिखाना मुझे। बाकी के दिन भी रख सकते हैं, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, आपको ही लग रही इतनी तेज भूख। हां, ये आज के दिन ही है ना, ये बहुत कम खाती है, ये खाती ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं खाती है। और इसकी शक्ल पे भी दिख रहा है बिल्कुल नहीं खाती। हम तो पेल के खाते हैं, फिर भी हमारी शक्ल पे दिख रहा है हम कितना खाते हैं। मैं चाहे खाऊं ना खाऊं फिर भी दिख रहा है कि मैं कितना खाती हूं। आप चाहे कितना भी खाते हो, आपको देख के कोई नहीं बोलेगा कि आप खाते भी हो। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैं चाहे मैं मोटा हो रहा है नहीं हो रहा, मैं कितना भी खाता हूँ वो मेरा, मुझे पता मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं तो इसको पॉजिटिव वे में ही लूंगा ना कि मैंने कितना मेंटेन कर रखा अपने आप को। मेहनत करता हूँ, ऐसे ही थोड़ी नहीं है। अब तू बना फटाफट। करवा चौथ के व्रत के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना? क्यों, किस, क्या होता है उस दिन? पता नहीं, उस दिन कुछ सजने सवरने का ज्यादा मौका मिल जाता है कुछ। आपको पता है वो तो मैं सजने सवरने, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सब चीज का, सजना सवरना ये सब मैं पसंद ही नहीं करती। हाँ, ये सच में तो इसमें तो तारीफ की जाएगी, बहुत सिंपल रहना पसंद करती है, बस होठों पे एक लिपस्टिक लगाती है और वो भी बस लगा लेती है। शादी को 7 साल हुए, बताओ आज तक आपने कभी मुझे क्रीम पाउडर या फिर ये दुनिया भर के जो चीजें होती है वो कभी खरीदवाई है? आज तक नहीं खरीदवाई ना, जरूरत है क्या? इतनी सुंदर तो है, इतनी सुंदर है, जरूरत है नहीं, क्या कहने। अब देखो स्क्रीन पे कितनी सुंदर दिख रही, कितनी सुंदर, अब इससे ज्यादा सुंदर लगना है क्या? वो क्रीम पाउडर बोल रही है, अगर बोल दी नहीं दिख रही तो कहीं कल ही मुझे ना बोलने लगे की मुझे फेस पाउडर क्रीम फाउंडेशन ये सब दिला के लेके, इसकी वजह से ऐसा बोल रहे हैं। जो भी है जैसा भी, नहीं बोल रही मैं, नहीं बोल रही मैं, नहीं दिलाऊंगा भी नहीं मैं। चलो अब मेरी छोटी सी एक रेसिपी तैयार हो चुकी है और अब ये मुझे बना के खिलाएगी, अपने हाथों से नहीं, मैं खुद खाऊंगा। इतना भी प्यार नहीं है वो, सिर्फ कौन सा व्रत होता है जिस पर अपने हाथों से खिलाती है? मैं नहीं खिलाती। आज जन्माष्टमी है तो आज छोटा सा खाना पीना था, इसमें तो मेहनत भी नहीं लगी, पटाख से हो गया। इसमें मेहनत लगती है उसमें नहीं बनाने देती। तो अभी बस नेक्स्ट रेसिपी क्या होगी, चाय बना देगी, हो सकता है कुछ फल फ्रूट खिला दे। आज का हो गया ब्लॉग। रात को तो खाना खाते ही नहीं, लेकिन हम लोग फास्ट खोलते हैं। हाँ, तभी वो तो नहीं दिखाएगी ना तुम 12 बजे के बाद। चलो कोई नहीं, ठीक है, अब ये खाते हैं, ये खा के फिर देखते हैं क्या खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट मतलब व्रत, फर्स्ट मील ऑफ द डे। ओहो क्या बात है, इतनी अच्छी एक्सेंट, मुझे भी सिखा थोड़ा सा। ये देखो नई रेसिपी, कौन सी रेसिपी पकड़ी ले लो। माय गॉड, हम लोग वहाँ पे रेसिपी बना रहे थे, खाने पीने का कुछ इंतजाम कर रहे थे और उतने में ये पूरा डेटा, मोबाइल डेटा सूत चुकी है। व्रत खोलने की तैयारी चल रही है ना? हाँ, बना मुँह बना है ना, हालत खराब हो चुकी है, मतलब जैसे व्रत खोलने का टाइम हो गया ऐसे लग रहा है कि बस 1-1.5 घंटा और कट जाए, है ना? कट जाने की बात नहीं है। हाँ, हालत खराब है बिल्कुल, अब खाना और बनाना पड़ रहा है, पूरे दिन में कुछ नहीं खाया।
हाँ तो दोस्तों एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं व्रत कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि 1.5 से 2 घंटा बचा है। बट लेकिन जब मुझे घर से पता लगा कि इसमें अन्न खाते ही नहीं है, तो अन्न नहीं खाते हैं, और अन्न तो किसी भी व्रत में नहीं खाते अन्न, तो फिर तूने मुझे क्यों खिलवा दी मूंगफली है, ये पीनट्स क्यों खिलवा दिए? क्योंकि पीनट्स खा लेते हैं व्रत में, मैंने ऐसा यहाँ पे ही देखा है, मखाने पीनट्स ये सब खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहती खा लेते हैं, गूगल पे चेक किया गूगल पे भी नहीं आया, मेरी मम्मी ने बोला कि इसमें अन्न खाते ही नहीं है, और मैंने जो 24 घंटे की जो मेहनत थी बिल्कुल फास्टिंग की थी उस पे सब पे पानी फेर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा इसको मैं नेक्स्ट ईयर मतलब कंटिन्यू करूं नहीं। इसमें ऐसा होता है जन्माष्टमी व्लॉग में अगर आपने एक बार तोड़ दिया तो फिर जन्माष्टमी व्लॉग में नहीं जन्माष्टमी व्रत में, अच्छा, हाँ, हाँ। व्लॉग में इतना खो गए हैं कि व्रत और व्लॉग में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अभी तेरी गलती पकड़ी जा रही है, मुंह फाड़ लगी। सबसे बड़ी बात अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जस्ट जन्माष्टमी व्रत को कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर करना है या नहीं करना है। मैंने पीनट्स खाए हैं और गज्जक भी खाई है, गज्जक को क्या बोलते हैं, चिक्की भी खाई है, हाँ चिक्की पीनट्स हाँ मैंने वो भी खाई है। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ईयर इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, क्योंकि अगर अब हम क्या कर सकते हैं, इनको भूख ही इतनी लग रही थी इनसे, मतलब ये दे दो खाने के लिए वो दे दो खाने के लिए, और घर में इनको जो भी दिख रहा था खाने के लिए सब खा लिए, मैंने तो नहीं खाया। अरे तूने नहीं खाया पर लेकिन मेरे तो व्रत तोड़वा दिया ना तूने, मैंने क्या तोड़वा दिया, आपको भूख ही इतनी लग रही थी तो मैं क्या, अभी चल छोड़ो व्रत तोड़वाए नहीं तोड़वाए, नेक्स्ट ईयर आप प्लीज कमेंट करके बताइए नेक्स्ट ईयर मुझे रखना है नहीं रखना, जिसको नॉलेज है वो ही मुझे बताए। पता लगा कि किसी ने कमेंट कर दिया, वो भी इनकी जैसे निकला नॉलेज नहीं, कमेंट कर दिया। तो दोस्तों प्लीज कमेंट जिसको नॉलेज है पूरी, अभी चलो जो हो गए सो हो गए, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल नहीं बता क्या बन रहा है खाने में, मुझे भूख लग रही है बहुत देर हो, जल्दी बता आप तो खा चुके अभी क्या खाए नहीं अभी जो भी है खैर मैं अगर तोड़ूंगा थोड़ी ना, अभी ये बता कि चांद निकलने पे खाते हैं इसमें, अभी मैं क्या करूं, क्या बन रहा खाने में, आलू के पराठे। अरे तो ये खाना कब है, ये चांद को पानी मतलब वो होते ना आप देख के उसके बाद, अच्छा मतलब चांद देख के फिर उसके बाद। तो अब यहाँ तो बारिश का मौसम हो रहा है, यहाँ पता नहीं चलेगा चांद निकल रहा है नहीं निकल रहा, इसको क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है यार, ये अभी अभी तो नींद आई थी तो चक्कर आ रहे थे यार, प्लीज जाओ। क्या खा के आए अभी, क्या खा के आए, पटाखा, क्या पटाखा, पराठा, इतना ठीक है। मम्मी को बोलो पापा का व्रत क्यों बिगड़वाया आपने, अभी खैर छोड़ जल्दी से बनाओ फटाफट, बना नहीं समझ रहा नहीं, बना तो मैं दूंगी लेकिन अभी खाना नहीं है ना। मैंने बहुत श्रद्धा से रखा, बहुत अच्छे दिल से रखा है, कृष्ण भगवान जी, गोपाल दास जी, गोपाल जी मेरे भगवान, मेरे ईश्वर बस कृपा कर दो भाई, बहुत जरूरत है अभी कृपा करने की, और कृपा कर दीजिए, मैंने बहुत मन तन से दिल से रखा है। हाँ मैंने खाया बहुत ज्यादा है पूरे दिन भर, पर कृपा कर दो बस अभी, और इनकी भी कृपा कर दो थोड़ी सी, ये भी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। क्या कर रहे हैं, ओ हेलो, क्या ये मुझे परेशान कर रही है बस, इसका क्या करूं मैं, उठा ले जाऊं भाव ऐसे, ये बिल्कुल भी नहीं डरती मुझसे, आ क्या भाप निकल रही है तुम में। सो दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं पे कंप्लीट कर, पराठा दिखाओ मत, गरम गरम करा दे पराठे, हट जाइए अभी जल जाएगा, और ना ये करारे करारे पराठे, और अभी मैं इस ब्लॉग को दही अचार के साथ खाइए और सो जाइए। जैसे मैं खत्म करने वाला होता हूँ ब्लॉग को, तो बीच में कभी दही भी उड़ रही है, कभी करारे पराठे, ये क्रिएटिविटी पहले लेके आया कर ना, मेरा तो पूरा मूड टूट जाता है, मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली। सो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं पर कम्प्लीट करता हूँ, और कुछ भी हो तो आप प्लीज़ डू कमेंट, और आई थिंक नेक्स्ट व्रत हमारा बहुत अच्छा होगा, अभी मैं गूगल करूँगा इसकी, एलेक्सा गूगल वो भी नहीं बता पाई, मेरी माँ जो बता पाई। थैंक यू सो मच बाबा, ये ना इफेक्ट्स डालती है, बहुत से लोगों के व्लॉग्स देखती है तो उसमें ऐसे इफेक्ट्स आता है हाथ वाला, तो बार बार वो ही करती है, इसका हाथ थोड़ा पकड़ना पड़ेगा जब मैं बाय बाय, ओके ओजू से बाय 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 गाइस। Thank you.